It's a comedy film. This is a comedy film with a dark humor, black humor, slapstick humor, and romance, and adultery, and deshbhakti. सारी चीजों की भेलपुरी है इसमें. जी जी जी. क्योंकि फिल्म एक थिएटर ग्रुप के बारे में, थिएटर ग्रुप मुगले आजम प्ले करता है, और कहीं ना कहीं मुगले आजम दिल्ली के साथ, पावर के साथ, सत्ता के साथ कनेक्टेड है, और उसी के आसपास ये कॉमेडी चलती है बिसाइड्स रोमांस. सो मुगले आजम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है इसमें, और इसलिए इसका टाइटल रखा गया है. मैंने पहले राहुल बोस को कास्ट किया, आई वॉज नॉट गेटिंग हीरोइन, फिर मैंने मलिका से अप्रोच किया, एंड देन मलिका ने हाँ बोल दिया, एंड इट इज़ एक्सीडेंटल, बट फॉर मी इट इज़ यू नो काइंड ऑफ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. तो प्यार के साइड इफेक्ट की वजह से मैंने उनको कास्ट किया वैसा नहीं है, बट ऊपर वाले की कुछ किस्मत कनेक्शन होगी मेरे साथ, तो दोनों साथ में जुड़ गए. बहुत है, बहुत. आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म. इट्स अ वेरी स्मार्ट फिल्म, गुड वन लाइनर्स, गुड कॉमेडी, म्यूजिक इज़ वेरी गुड. सो आई रियली फील दैट दिस फिल्म विल वर्क एंड ऑडियंस विल लाइक इट. सी कॉमेडी में म्यूजिक वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉमेडी की एक स्पीड बहुत फास्ट होती है, उसमें पेस में उन्होंने म्यूजिक दिया है. राग दरबारी का इस्तेमाल किया है, गज़ल का इस्तेमाल किया है, क्लब मिक्स का भी इस्तेमाल किया है. सो इट्स अ रियली अ ग्रेट काइंड ऑफ चैलेंज फॉर हिम, एंड अनु मलिक हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब. उनका जो 20 साल का एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत काम आया. मेरा फेवरेट ट्रैक है, गुड क्वेश्चन, देयर इज़ वन गज़ल, दिल टूटा हुआ है. दैट्स अ फैंटास्टिक गज़ल, एंड दैट्स यू नो वेरी डिफरेंट देन अदर नॉर्मल सॉन्ग बिसाइड टाइटल सॉन्ग. मैंने सारे गाने लिखे इस फिल्म के. थैंक यू.